SBI ने सस्ता किया होम लोन, 30 लाख तक के लोन पर 4.5% की कटौती। नई दरें कल से होगी लागू, नई दर 8.35% हुई। पीएम आवास योजना पर मिलेगी सब्सिडी। टाटा मोटर्स के 100 सीनियर कर्मचारियों ने लिया वीआरएस। मार्च में कंपनी ने वीआरएस का दिया था विकल्प। खर्चों में कटौती और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उठाया कदम। ऑपरेशन ब्लैक मनी के लिए वेबसाइट लाएगी सरकार। नोटबंदी के संदिग्धों के नाम डाले जाएंगे वेबसाइट पर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर, 18 लाख में से बचे 62,000 खातों की जांच जारी। मारुति सुजुकी ने सस्ते किए गाड़ियों के दाम। सूत्रों के हवाले से खबर, सिलेरियो पर डिस्काउंट बढ़ाकर किया 35,000, वैगन आर पर 30,000 और स्विफ्ट पर 20,000 रुपए तक की छूट। ट्रैक्टर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एग्री कंस्ट्रक्शन वाहनों पर लागू नहीं होंगे BS4 नियम। हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी, निफ्टी 9300 के पार, सेंसेक्स 67 और निफ्टी 29 अंक चढ़कर बंद। रियल्टी, टेलीकॉम, सीमेंट शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। बुधवार से दिल्ली मेट्रो का सफर होगा महंगा। DMRC बोर्ड ने किराया बढ़ाने की सिफारिशों को दी मंजूरी। न्यूनतम किराया 8 की जगह 10 रुपए होगा, अधिकतम किराया 30 की जगह 50 रुपए। कपिल मिश्रा ने ACB को सौंपे सबूत, LG ने 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित को बचाने का आरोप। चारा घोटाले में लालू यादव की मुसीबत बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने CBI को केस चलाने की दी इजाजत। घोटाले में लालू यादव पर लगा 950 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली, धोनी, शिखर और युवराज टीम में शामिल। गौतम गंभीर और सुरेश रैना को नहीं मिला मौका।